आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने की धांसू टीम तैयार। सनराइजर्स से खेलेंगे ईशान किशन इस बार। 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स में हुई ऋषभ पंत की एंट्री। सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर बजाई सबके लिए खतरे की घंटी। आईपीएल का मेगा ऑक्शन खत्म होने के बाद सभी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे में कुछ टीमों की ताकत कम हुई है तो कुछ टीमों ने अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाते हुए ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस ऑक्शन में भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत किया और अपने स्क्वाड में और ज्यादा दमदार खिलाड़ियों में इजाफा किया। चलिए आपको बताते हैं कि इस ऑक्शन के बाद कैसी दिखती है दोनों टीमों की तस्वीर। पहले बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने ऑक्शन से पहले 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। इन 5 खिलाड़ियों में निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, तो वहीं रवि बिश्नोई को 11 करोड़ में। इसके बाद उन्होंने मयंक यादव को 11 करोड़ में रिटेन किया, मोहसिन खान को 4 करोड़ में और आयुष बदोनी को भी अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 4 करोड़ में रिटेन किया था। इन सभी खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इतिहास रच दिया। पंत के बाद भी लखनऊ की टीम ने ऑक्शन में कई दमदार और बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऑक्शन के बाद कैसी दिखती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, आवेश खान, शहबाज अहमद, आकाशदीप, शमार जोसेफ, आर्यन जुयाल, हिम्मत सिंह, दिग्वेश सिंह, एम सिद्धार्थ, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, राजवर्धन हंगरगेकर, अर्शिन कुलकर्णी और मैथ्यू ब्रिटके को अपनी टीम में शामिल किया है। तो चलिए ये तो बात हो गई लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पिछले सीजन आईपीएल का फाइनल खेला था, लेकिन फाइनल मुकाबले में इस टीम को केकेआर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस टीम का प्रदर्शन पूरे के पूरे टूर्नामेंट में शानदार और दमदार रहा था, तो ऐसे में मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करते हुए अपने कोर को मेंटेन रखा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था इनमें हेनरिक क्लासन सबसे ऊपर थे। हेनरिक क्लासन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया। दूसरे नंबर पर रहे इस टीम के कप्तान पैट कमिंस, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। पैट कमिंस के साथ ही साथ इस टीम ने अपने ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को 14-14 करोड़ रुपए में रिटेन किया। इसके अलावा इस टीम ने अपने तूफानी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। इन खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कोर मेंटेन रखा, लेकिन नीलामी में तो इस टीम ने मोहम्मद शमी, ईशान किशन और एडम जैम्पा जैसे खिलाड़ियों को लेकर कमाल ही कर दिया। इसके अलावा भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन में कई दमदार खिलाड़ियों पर बोली लगाई और अपनी टीम की ताकत बढ़ाई। चलिए आपको दिखाते हैं आईपीएल 2025 के ऑक्शन के बाद कैसी दिखाई देती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने ऑक्शन से पहले पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन को रिटेन किया था, लेकिन आईपीएल के ऑक्शन में इस टीम ने मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, ईशान किशन, राहुल चहर, एडम जंपा, अथर्व ताइडे, अभिनव मनोहर, ब्राइडन कॉर्से, कामिंडू मेंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, सचिन बेबी, सिमरजीत सिंह, जिशान अंसारी और जयदेव उनादकट को अपने बेड़े में शामिल किया। और इन सभी खिलाड़ियों के सनराइजर्स हैदराबाद में आने के बाद इस टीम की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है और ये टीम और ज्यादा खूंखार बन गई है। तो दोस्तों, ये है आईपीएल ऑक्शन के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें। तो आपको कैसी लगी आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिकेट की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए।